हाय दोस्तों, उम्मीद है आपने एक वायरल पोस्ट तो देखी ली होगी फेसबुक पर या ट्विटर पर, जहां पे एक डॉक्टर को ये कह करके वायरल कर दिया गया कि उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई है। क्या लिखा गया था समझ लिए। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि महाराष्ट्र की रहने वाली 28 वर्षीय डॉक्टर मनीषा पाटिल की कल कोरोना की बीमारी से मौत हो गई। मनीषा ने काफ़ी लोगों की जाँच कर उन्हें स्वस्थ किया था, लेकिन वह खुद को ना बचा सकी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये तो हो गया इनको वायरल करने का वो मैसेज जिसके थ्रू इनको ट्विटर पर और फेसबुक पर और जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इनको वायरल किया गया, और लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सिंपैथी भी दी कि ऐसा योद्धा हमारे बीच से चला गया। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही कहती है। चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये डॉक्टर की कोई डेथ नहीं हुई है। इन्हीं की जुबानी सुनिए इन्हीं की इस पोस्ट के बारे में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और समृद्ध होंगे और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए और बढ़ाए गए लॉकडाउन के सारे नियमों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। कल हमारे साथ कुछ अजीब सी घटना हुई। हमने सोशल मीडिया पे अपनी एक फोटो शेयर की थी। कुछ लोगों ने उस फोटो को गलत कैप्शन के संग ट्विटर और फेसबुक पे बहुत ज्यादा वायरल कर दिया था। हमारी फोटो के कैप्शन पे लिखा हुआ था कि 28 वर्षीय डॉक्टर मनीषा पाटिल, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, इन्होंने 188 कोरोना पेशेंट्स की जान बचाई और इनकी खुद कोरोना से लड़ते लड़ते मौत हो गई। मेरे पास सैकड़ों मैसेज आए हैं कल, इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं कि मेरा नाम डॉक्टर ऋचा राजपूत है। मैं जनरल फिजिशियन हूं और मैं कानपुर की रहने वाली हूं। मैं डॉक्टर मनीषा पाटिल नहीं हूं, और अगर इस तथ्य में कोई भी सच्चाई है तो आप लोगों की ब्लेसिंग, सपोर्ट और प्यार उनके परिवार के लिए होना चाहिए। मुझे ऑलरेडी आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरा डायरेक्ट एक्सपोजर कोरोना पेशेंट्स के साथ नहीं है। वर्तमान समय में मैं अपने सीनियर डॉक्टर और साथियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन लोगों की प्राइमरी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को डिलिबरेट करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। मैं घर पे हूं और स्वस्थ हूं। जो भी लोग इसको वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मुझे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्लीज इसको डिलीट कर दें और किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसका फैक्ट और रियलिटी चेक कर लिया करिए। जिन लोगों ने भी इसको वायरल किया है, यूपी पुलिस उस पर कार्यवाही कर रही है। और मेरा निवेदन है कुछ लोगों से कि बहुत सारे लोगों ने मेरी फेक आईडी बनाई है, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहना चाहती हूं कि प्लीज इसको डिलीट कर दें। मैं आप ही लोगों के बीच से हूं और किसी की बहन हूं, किसी की दोस्त हूं, किसी की बेटी हूं, इसलिए अगर आप मेरे कहने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मुझे माफ कर दिया करिए अपने परिवार का समझ के, और कोशिश करिए कि इन सब चीजों को डिलीट कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मुझे लोग श्रद्धांजलि देना बंद करें और सच में जिसके परिवार को ब्लेसिंग्स की जरूरत है, डॉक्टर मनीषा पाटिल, वहां तक ये ब्लेसिंग्स पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको देख करके ये समझ में आ गया होगा कि कुछ भी वायरल करने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। किसी जिंदा इंसान को आपने बिन बात के मरा हुआ घोषित कर दिया, जबकि वो आपके सामने अभी इन्होंने क्लियर किया है कि अब वो क्या करने वाले हैं ऐसे वायरल पोस्ट के अगेंस्ट में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और शेयर करें सभी तक। मिलेंगे नए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। We'll be right back.